झारखंड की सिमडेगा पुलिस ने एक बार फिर से नशे के सौदागरों को दबोचने में कामयाबी पाई है। आपको बता दें कि ठिठई ठांगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 44 किलो गांजा के साथ 4 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को भी और दबोचा है। वहीं ठिठई ठांगर थाना प्रभारी इंद्रेश कुमार ने बताया कि उनको क्षेत्र भ्रमण के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि उड़ीसा की तरफ से गांजा लोड स्कॉर्पियो आ रही है। वहीं उक्त सूचना पर थाना प्रभारी के निर्देश पर पुलिस ने टुकुपानी के पास NH-143 पर वाहन चेकिंग अभियान लगाया। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान उड़ीसा की तरफ से आ रही स्कॉर्पियो गाड़ी UP-57N-0377 को रुकने का इशारा किया तो पश्चिम की तरफ कच्ची रास्ता में गाड़ी को लेकर भागने लगा, जिसे उपलब्ध पुलिस बल एवं वाहन के द्वारा पीछा कर पकड़ दिया गया। वहीं उक्त गाड़ी में 2 पुरुष एवं 2 महिला बैठे हुए थे। वहीं गाड़ी की तलाशी लेने पर गाड़ी में लोड 40 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने सभी चारों तस्करी करते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए। वहीं उनसे पूछताछ के क्रम में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि यह गांजा उड़ीसा से झारखंड के रास्ते बिहार ले जाए जा रहे थे। वहीं गिरफ्तार प्राथमिकी अभियुक्त राजेश यादव, भूलन यादव, कमरुन खातून और फूल कुमारी देवी सभी बिहार निवासी को पुलिस ने जेल भेज दिया है। और मतलब हो कि नशे के सौदागर उड़ीसा से बिहार और नेपाल गांजा तस्करी के लिए सिमडेगा को कॉरिडोर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं सिमडेगा पुलिस इससे भी पहले कई बार तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई है। अखंड भारत न्यूज़ के लिए धनंजय सिंह की रिपोर्ट, सिमडेगा।